काई रुके हुए पानी पर जमती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई खासियत ना हो। खुदा ने हम में से हर एक को कोई ना कोई लियाकत ज़रूर बख्शी है। मैं हर रोज़ ही दुआ करता हूँ, खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है वो बेकार ना जाए। ज़िंदगी सनसनाते हुए पत्थर की तरह गुजर जाती है, गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आता। जो है वो आज है। आज मैं ज़िंदगी के आखिरी पायदान पर खड़ा हूँ, ऐसा लगता है कि कल ही तो खिदमत के पहले पायदान पर पैर रखा था। ज़िंदगी कुछ और नहीं, मुट्ठी से फिसलती हुई रेत है। यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देखा वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। खुदा ने हम में से हर एक को कोई ना कोई वरदान जरूर दिया है, उसे गाड़ कर ना रखें वरना वो बिगड़ जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इंसाफ के दिन आपको अपने वरदानों का भी हिसाब देना होगा। वरदान छोटा या बड़ा नहीं होता, जहां सुई की ज़रूरत हो वहां सूजा काम नहीं आता। राइटर बिशप डॉक्टर हैरिश वॉल्टर। शालोम प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।